दंतेवाड़ा जिले के गिदम ब्लॉक में प्रशासन की एक नई पहल देखने को मिल रही है, जिसमें गोठान को ढाबे में तब्दील कर दिया गया है। अब तक जिस गोठान में केवल गोबर, खेती और पशुपालन जैसे कार्य हो रहे थे, वहां अब लोगों को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। दंतेवाड़ा से बीजापुर हाईवे पर स्थित बड़े करेली के गोठान में जिला प्रशासन ने 16 लाख की राशि खर्च कर ढाबा तैयार किया है और बांस बोडिन बंगराम स्वयं सहायता समूह को संचालन करने को दिया है। इस ढाबे को मनबा ढाबा नाम दिया गया है। महिलाओं द्वारा संचालित इस ढाबे को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदवार और जिला पंचायत सीईओ आकाश शिकारा भी ग्राहक बन लोगों के बीच बैठकर इस ढाबे में भोजन का आनंद लिया। कलेक्टर और सीईओ के इस तरह ढाबे में आकर खाना खाने से समूह की महिलाओं में काफी उत्साह बढ़ा है। कलेक्टर विनीत नंदवार ने खाने की प्रशंसा की और कहा कि दंतेवाड़ा अब नई पहचान बनाएगा। में जो गीदम ब्लॉक में ये कार्ली का जो गौठान है, और इस गौठान की जो सबसे प्रमुख बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप सभी गौठानों को जो है हमें मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। और यहाँ का एक अभिनव प्रयोग है कि इस गौठान में न केवल मुर्गी पालन किया जा रहा है, सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है, गोबर क्रय किया जा रहा है, बल्कि स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा यहाँ पर एक ढाबा का भी संचालन किया जा रहा है, जिसको मनवा ढाबा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये काफ़ी अच्छा एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये आपका दंतेवाड़ा बीजापुर जो है नेशनल हाईवे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और गौठान के माध्यम से इस ढाबा गौठान में जुड़ी महिलाओं के द्वारा इस ढाबे का भी संचालन किया जाए।